नमस्कार। क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री में आज हम क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के अंतर्गत पार्ट टू पर चर्चा करेंगे। पार्ट टू है हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो हम बात करते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव फिलापे। इन 1865 जॉन न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड Every eighth element has property similar to the first element, just like the eighth note of a musical octave. This is called Newland octave law या Newland law of octave. अर्थात जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। उन्होंने पाया कि जिस प्रकार संगीत में पहला और आठवां स्वर समान होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक आठवीं तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। इसे न्यूलैंड ने न्यूलैंड का अष्टक नियम नाम दिया। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से संगीत में पहला और आठवां स्वर समान होता है, उसी प्रकार से आठवीं तत्व के जो गुण हैं वो पहले तत्व के गुण से मिलेंगे। यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया वो संगीत के स्वर पर आधारित उदाहरण है कि सा रे ग म प ध नि सा। तो यहाँ आप देखिए कि पहला तत्व लिथियम, दूसरा बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर से सोडियम आ जाएगा। तो सोडियम के गुण लिथियम से मिलने लगेंगे। इसी प्रकार से बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम से मिलेंगे, बोरान के गुण एल्युमिनियम से मिलेंगे और इस प्रकार फ्लोरीन के गुण क्लोरीन से मिलेंगे। तो ये उन्होंने जो नियम दिया था ये न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाया कि पहले और आठवें तत्व के गुण आपस में समान होते हैं और उसी आधार पर उन्होंने तत्वों को अरेंज किया। हालांकि न्यूलैंड के अष्टक नियम में कुछ सीमाएं थी कि न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि बाद में आने वाले तत्वों के जो गुणधर्म थे वो पहले और आठवें गुणधर्म के समान मैच नहीं करते थे, मिलते नहीं थे। इसलिए यहाँ आकर के कैल्शियम के बाद जो है ये नियम फेल हो चुका या लागू नहीं हुआ। इसी ढंग से न्यूलैंड ने कोबाल्ट तथा निकिल जैसे तत्वों को क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रख दिया, जबकि कोबाल्ट निकिल धातु हुए और क्लोरीन फ्लोरीन अधातु हुए, उनके गुणधर्म भिन्न थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है, बाहरी तत्वों पर जो है ये लागू नहीं हुआ। और यहाँ आकर के न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है की सीमाएँ थी। इसके बाद फिर लोथर मेयर का नियम आएगा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।